गृह मंत्री अनिल देशमुख के बाद अब ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। एडवोकेट तरुण परमार ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई है। परमार ने कहा कि अनिल देशमुख, नितिन राउत और नागपुर के प्रशासनिक अधिकारियों ने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। इसी शिकायत के आधार पर ईडी ने 28 जून को परमार को मुंबई स्थित ईडी कार्यालय में प्रासंगिक सबूतों के साथ जवाब दाखिल करने के लिए तलब किया था। 28 जून 2021 को परमार ने कुछ अहम दस्तावेज ईडी को सौंपे। ईडी ने परमार से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। जरूरत पड़ने पर 5 जुलाई को अतिरिक्त दस्तावेज जमा किए गए हैं और उन्हें पेश होने के लिए बुलाया जा सकता है। नागपुर के वकील तरुण परमार केंद्र सरकार के MSMI विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी है। परमार के मुताबिक उन्होंने इस तरह की शिकायत ईडी से की थी। परमार के मुताबिक नागपुर जिले में कोयला, रेत, सट्टा और जमीन के सौदे को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है। हालांकि उन्होंने यह बताने से इनकार कर दिया कि परमार ने ईडी को क्या सबूत दिए, क्योंकि मामला अभी ईडी के पास है। अनिल देशमुख जी और अभी वर्तमान मंत्री नितिन राउत के साथ साथ जिलाधिकारी रविन्द्र ठाकरे जी और कमिश्नर ऑफ पुलिस, उनके अलावा उनके जो PA है ललित कोबरागड़े, उन सबके खिलाफ एक संयुक्त तकरार किया था। वो तकरार के सिलसिले में मुझे 28 जून 2021 को मुझे ईडी का समन्स मिला था और इस समन्स के सिलसिले में मैंने ईडी ऑफिस मुंबई में मैं अपना हाजिर हुआ था और मैंने अपना बयान और अपने जो पास में जो भी दस्तावेज थे वो मैंने ईडी ऑफिस को सबमिट किए थे। तथ्य तो अभी उनको ईडी ऑफिस का भी इन्वेस्टिगेट करना है। मैंने जो भी मेरे पास जो दस्तावेज थे और उनको जब मेरी कंप्लेंट के अंदर कुछ तथ्य लगे, इसीलिए उन्होंने मुझे ईडी से समझ देकर बुलाया, अन्यथा कंप्लेंट तो बहुत सारे लोग करते हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपुर।